सपने में टूटी हुई चारपाई देखना कैसा होता है? ये सपना शुभ सपना होता है या अशुभ सपना होता है? सपने में चारपाई देखना कैसा होता है? सारी जानकारी विस्तार से इस छोटे से वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति है इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको धन्य करें। अब चलिए बात कर लेते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में चारपाई देखना शुभ होता है या अशुभ होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सपने में चारपाई देखते हैं और उसके चारों मचबे जो चारों स्तंभ होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं चारों पिलर, या और उस पर जो आपकी स्लेप या पाटी जिसको बोला जाता है वह काफ़ी अच्छी है और उसकी जो बिनाई वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया है, अगर ऐसी आपको खटिया दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होने वाली है। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आप सपने में जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि टूटी खटिया अगर आप देखते हैं तो यह अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि आपको समाज में मान हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके शत्रु आपके ऊपर प्रबल होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं और आपको अच्छी खासी क्षति भी पहुंचा सकते हैं। यह क्षति आपको धर्म के रूप में भी हो सकती है, आपको आर्थिक रूप में भी हो सकती है और आपको सामाजिक रूप में भी होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं हम बात कर लेते हैं, अगर सपने में आप चारपाई जो है आप अपने हाथों से तोड़ते हुए देखते हैं तो यह शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाएगा जो आपको नहीं करना चाहिए था। अब वहीं हम बात कर लेते हैं, अगर आप सपने में देखते हैं कि चारपाई आप अपने हाथों से बुन रहे हैं तो ये बढ़िया सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में अच्छे कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिनका लाभ आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा और वह आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव रोल निभाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।